हाय गाइस, तो सबसे पहला फैक्टर जो मैटर करता है, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कम दामों पे मिल जाते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप ऑफलाइन शॉपिंग कर ले, जहाँ पे आपको शिपिंग के चार्जेस भी बच जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसी मार्केट्स अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो प्रोडक्ट डैमेज होने का या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिलने का आपको खतरा रह सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन पे कर दे और आपको प्रोडक्ट मिले ही नहीं, तो ऑफलाइन इस तरह की चीजें नहीं होती है क्योंकि आप डायरेक्टली सेलर के पास जाते हैं, वहां से पैसे पे करके प्रोडक्ट को चेक करके वो सामान ले आते हैं। जो मैटर करता है वो है टाइम। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट में घूमे और वहां से चीजें खरीदे, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट से वैरायटी मिल जाएगी, आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन मार्केट में आप जिस दुकान पे जाते हो या जिस मार्केट में जाते हो, वहीं के रेट्स के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। और ऑनलाइन क्या होता है कि सेलर की रेटिंग्स भी होती है, कस्टमर्स रिव्यूज भी होते हैं, तो ये सब आप चेक करके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पर। डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाए अपने सारे सवालों के जवाब, वो भी हमारे ब्यूटी एंड फैशन एक्सपर्ट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप।